हेलो फूडीज, मैं सबा फरोशे एंड वेलकम टू सबास किचन। कबाब सुनते ही मुंह में पानी सा आ जाता है। मान लीजिए अगर कबाब खाने का अचानक से हमारा मन हो जाए और ऐसे में हमारे पास ना तो मीट है और ना ही घर में सब्जियां हैं, तो क्या हम कबाब नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, बस आप मन बनाइए और बाकी सब छोड़ दीजिए कुक पैड पर। कुक पैड इज सच एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म वेयर वी ऑल कैन अपलोड अवर रेसिपीज हियर एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर पर्सनल ब्लॉग्स हियर। इवन आई एम अ पार्ट ऑफ कुक पैड and have been using Cookpad for 2 years. It's an amazing community for home chefs like you and me who cook food every day to meet our family needs. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर आपको बता रही हूँ कि Cookpad ऐप यूज करने से मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है कि रोजमर्रा खाने में क्या बनाया जाए जो कि हमारी डेली कुकिंग से कुछ हट कर हो, कुछ यूनिक सी रेसिपी हो जिसे बनाने में हमें मजा भी आए और खाने वाला खुद को रोक भी ना पाए। तो फिर चलिए सीखते हैं आज कुछ नई रेसिपी फ्रॉम Cookpad। सो फ्रेंड्स, जस्ट एक क्लिक से ये हम आ चुके हैं कुकपैड पर। यहाँ आप हम जैसे होम शेफ्स एक से बढ़कर एक रेसिपीज शेयर करते हैं जो कि सिंपली हमारे घर पर इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं, उन्हीं मसाले वगैरह से बनी हुई रेसिपीज हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगी। बस आपको करना ये है कि जो भी रेसिपीज आप बनाना चाहते हो उसे सर्च करें। लाइक मेरे पास आज से सब्जी में अरबी रखी है और मुझे आज कबाब खाने का मन कर रहा है, तो अरबी के कबाब मैं सर्च ऑप्शन में टाइप कर रही हूँ। आप जो भी रेसिपी बनाना चाहते हैं बस उसे सर्च ऑप्शन में टाइप करें तो उस इंग्रेडिएंट से रिलेटेड काफ़ी सारी मज़ेदार रेसिपीज आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। जैसा कि मैंने अरबी के कबाब सर्च की और कितनी सारी रेसिपीज आ चुकी हैं। सो लेट्स सी हुज़ अरबी के कबाब रेसिपी आई एम गोइंग टू कुक टुडे। ऑल राइट, विशाखा कुमारी सक्सेना जी की रेसिपी मुझे कुक पैड पर मिली है जिसे आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ। अगर कोई भी रेसिपी आपको पसंद आती है तो उसे आप सेव भी कर सकते हैं। जैसे कि जब भी वो रेसिपी अगर आप बनाने का प्लान कर रहे हो तो अपनी प्रोफाइल में सेव्ड ऑप्शन में आपको वो रेसिपी इजीली मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, यू कैन इजीली ब्राउज रेसिपीज हियर एंड यू कैन बुकमार्क देम जस्ट लाइक हाउ आई डिड टुडे। सो अब जबकि मैंने अरबी के कबाब रेसिपी सर्च कर ली है तो चलिए बनाते हैं अरबी के कबाब विद द हेल्प ऑफ कुकपैड। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में दिए हुए बेल आइकन पर भी क्लिक करें जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलते रहेंगी। अरबी के कबाब बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो अरबी ली है। इसे मैंने खूब अच्छे से वॉश करके प्रेशर कुकर में 3 सीटी पर उबाला और फिर इसे छील कर रख लिया। तो अब हम मैशर की सहायता से सभी अरबी को बढ़िया से मैश कर लेंगे। मेक श्योर अरबी में गुठलियां ना रहने पाए, इसलिए आप इसे अच्छे से मैश करें। ये लीजिए करीब 2.5 से 3 मिनट का समय लगा और जैसे कि आप देख सकते हैं सभी अरबी को मैंने बहुत ही अच्छे से मैश कर लिया। अब अरबी मैश करते ही इसमें डालें 1 मीडियम साइज की प्याज बारीक चॉप की हुई, 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई और थोड़ी सी बारीक चॉप की हुई हरे धनिए की पत्तियां। इसी के साथ डालें नमक स्वाद अनुसार, जितना नमक आप खाते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें। आप फिर डालें 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और फिर अरबी के कबाब की बाइंडिंग के लिए ये मैं ऐड करी हूँ 1/3 कप चावल का आटा। चावल का आटा अगर आपके पास ना हो तो आप बेसन थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके डाल सकते हैं और अगर बेसन भी ना हो तो आप भुनी चना दाल को महीन पीसकर पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं बाइंडिंग के लिए। तो आप सभी चीज़ें डालने के बाद आप चाहें तो कबाब के मिक्सचर को चम्मच से इस तरह से मिक्स करें या फिर आप हाथ से इसे खूब अच्छे से इस तरह से मिला लें। ये देखिए सभी चीज़ों को मैंने बहुत ही बढ़िया से मिला लिया है। तो यहाँ हमारे अरबी के कबाब का मिक्सचर बनकर तैयार है। तो फिर चलिए अब बनाते हैं अरबी के कबाब। लेकिन कबाब बनाने से पहले अपने हथेलियों को थोड़े से तेल से चिकना कर लें तो अरबी का मिक्सचर हाथों पर हमारे चिपकेगा नहीं। देखिए बहुत ही आसानी से अरबी के कबाब बन जाते हैं। बस थोड़ा सा मिक्सचर लेकर पहले इस तरीके से बॉल्स बनाएं और फिर दोनों हथेलियों के बीच इसे ऐसे चपटा कर दें। अब कबाब को चपटा करने के बाद किनारों को इस तरह से सेट करें जिससे कि किनारे पर क्रैक्स नहीं आएंगे और आपका कबाब भी कहीं से मोटा या फिर पतला नहीं रहेगा। ये देखिए सभी कबाब आपको इसी तरीके से बनाने हैं, बहुत इजीली अरबी के कबाब बन जाते हैं। आप चाहें तो सारे कबाब बनाकर पहले से ही प्लेट में रख लें या तो इसे थोड़े से तेल में शैलो फ्राई करते समय ही आप कबाब बना बनाकर पैन में डालते जाएं। और मैं आपको बताऊं ज़्यादा नहीं, बस 4 से 5 बड़े चम्मच तेल में ही कबाब बहुत ही बेहतरीन शैलो फ्राई हो जाते हैं। इससे पहले हम एक साइड पर शैलो फ्राई करेंगे धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए, ये देखिए ऐसे सुनहरे होने तक। और फिर 4 से 5 मिनट एक साइड शैलो फ्राई करने के बाद कबाब को पलटकर इसे दूसरी साइड से भी शैलो फ्राई करें 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर।
फ्लेम को मैंने लो ही रखा है क्योंकि लो फ्लेम पर शैलो फ्राई करने से ये बढ़िया से अंदर तक के फ्राई होंगे। करीब 10 से 12 मिनट में ही ये देखिए कबाब कितने बेहतरीन गोल्डन ब्राउन हो गए। और चावल के आटे से कबाब की बाइंडिंग भी इतनी अच्छी होती है ना कि कबाब पर आपको कहीं भी क्रैक्स वगैरह नजर आएंगे ही नहीं। तो अब जबकि हमारे अरबी के कबाब इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो बस कबाब के ऐसे दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होते इसे प्लेट में निकाल कर रख लें और फिर इसे सर्व करें अपने पसंद की चटनी के साथ। चलिए मैं आपको ये कबाब तोड़कर दिखा देती हूँ अंदर से भी ये कितने अच्छे से कुक हुए। बाहर से तो क्रिस्पी सी लेयर चावल के आटे की वजह से और अंदर से कबाब तो बिल्कुल ही सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छे से शैलो फ्राई हुए हैं, जरा भी अंदर से इसमें कच्चापन नहीं है। So guys, देखा आपने, this is how simple it is to search for recipes on a cookpad. Just like I did, you can also search for a variety of recipes here and surprise your family member and make them happy. तो फिर सोचना क्या, join करे cookpad आज ही अभी और इसी वक्त और connect हो जाए like-minded home chef से। मैं भी cookpad पर अपनी recipes share करती रहती हूँ, आप चाहे तो मुझे Sabha's Kitchen search करके follow कर सकते हैं। और एक खास बात, कुकपैड पर टाइम बाय टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग कुकिंग एक्टिविटीज होती रहती हैं, सो यू कैन टेक पार्ट देयर एंड एनहांस योर कुकिंग स्किल्स। आई एम श्योर इट विल मेक योर कुकिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग, जैसे कि खाना बनाने वाले को भी मजा आएगा और खाना खाने वाले भी। आई फाउंड अरबी कबाब रेसिपी फ्रॉम विशाखा कुमारी सक्सेना टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू विशाखा कुमारी सक्सेना जी फॉर शेयरिंग सच एन अमेजिंग रेसिपी ऑन कुकपैड। अब जबकि मैंने अरबी के कबाब बना लिए हैं और पिक्चर्स भी क्लिक कर ली हैं, तो चलिए इसे कुक स्नैप कर देते हैं कुक पैड पे। आप किसी भी होम शेफ की रेसिपी ट्राई करते हैं तो उस रेसिपी की पिक्चर क्लिक करके सिंपली उनकी ये रेसिपी पोस्ट पर शेयर योर कुक स्नैप ऑप्शन सिलेक्ट करके पिक अपलोड करके कॉमेंट में रिव्यू दे सकते हैं। जैसे कि मैंने टाइप कर दिया है, थैंक्स फॉर द रेसिपी। सो फ्रेंड्स, जुड़ जाइए कुक पैड से। फॉर डाउनलोडिंग द ऐप, click the link given in description and comment and let me know in the comment section as which recipe according to you is the best one and why. I hope it is aapko mera aaj ka ye video pasand aaya hoga. Agar aapko mera ye video pasand aaya to please mere video ko like and share karna na bhule. Isi ke sath mein channel ko bhi subscribe kare aur paas hi mein bell icon par bhi click kare jisse ki aapko mera aane wala har new videos ki jankari notification dwara milti rahengi. Thank you so much.